हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस साइकिल मॉडल्स के हिंदी के पार्ट थ्री में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, और जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए अगर आप पार्ट वन से देखेंगे तो आपको बेनिफिट अच्छे से होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने फेजेस समझाए हैं, सेकेंड पार्ट में मैंने मॉनिटरी थ्योरी समझाई है, प्योर मॉनिटरी थ्योरी, उसका इसमें हम इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए आप हर पार्ट अच्छे से देखें। एफ ए वॉन हैक और नट विक्शर, इन दोनों ने ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरीज पर प्रकाश डाला है, जिसमें हैक ने मॉनेटरी फोर्सेस को इस्तेमाल किया इन्वेस्टमेंट के लिए, और यहां पर विक्शर ने इनोवेशन को बोला है इन्वेस्टमेंट का रीजन। तो हैक की जो थ्योरी है वो विक्शर पर डिपेंडेंट है, विक्शर का थोड़ा सा वो अवलंब लेती है, लेकिन विक्शल ने नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच के जो इक्विलिब्रियम में डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इनका इक्विलिब्रियम जब बिगड़ता है तो उस पर क्या असर होता है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले हम विक्शल को देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद फिर हम हैक पे आएंगे। सबसे पहले विक्शल के थ्योरी को समझने से पहले हम पहले ये तीन टर्म समझ लें कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। इन्फ्लेशन तो आप लोगों को पता है, जब प्राइस राइज होती है। ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम ऑर्डिनरी रेट, नॉर्मल रेट या नेचुरल रेट भी बोलते हैं। कई बुक्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा जब आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल रेट लिख दिया है, कहीं मार्केट रेट लिख दिया है, कहीं मनी रेट लिख दिया है क्या असल में। तो जहाँ पर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखे, समझ जाइए कि ये एक ही चीज़ है। इसके बाद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक ही चीज़ है। होता क्या है कि जब बैंक लोन देती है तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं इंक्लूड किया जाता है। सपोज बैंक ने दिया है लोन 4% पर, और 4% इंटरेस्ट आपको लौटाना है, जिसको हम मार्केट रेट या मनी रेट भी कहेंगे। लेकिन प्राइस राइज हुई, उस पैसे की वैल्यू कम हुई, है ना, तो करीब मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट है 3%। तो जब आपको वो चुकाने की बारी आई तो इनको माइनस करोगे तो बैंक के पास कितना पहुंचा, केवल 1% पहुंचा। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। ये नॉमिनल रेट, जब इन्फ्लेशन नहीं होता है तो नॉमिनल रेट और रियल रेट एक जैसे होते हैं, मगर जब इन्फ्लेशन होता है तो इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, या जो इक्विलिब्रियम पोजिशन से डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसके बेसिस पर उतार चढ़ाव होते हैं ट्रेड साइकिल में, बूम पीरियड और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये आता है। इसके लिए विक्शल ने तीन अजम्पशन लिए। सबसे पहले, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, फुल एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने माना है कि ये होगी हमारे इकोनॉमी में। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बनी बात है, जब इंटरेस्ट हमको कम देना होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन ले लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीजिंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सेविंग कब करता है कोई व्यक्ति, जब उसको इन्वेस्ट नहीं करना हो। इन्वेस्ट कब नहीं करेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यानी सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो लोग इन्वेस्ट ना करके सेव करेंगे। तो ये तीन अजम्पशन पर इनकी ये थ्योरी है, और इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज बैंक ने आपको क्रेडिट दिया, और वो क्रेडिट लोअर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है, मनी, मार्केट और नॉमिनल, ये तीनों एक ही हैं। मार्केट रेट, मनी रेट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जब कम रहता है, यानी हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लौटाना है वो कम है अगर, तो क्या होता है, लोग लोन बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और जब ऐसा होता है तो एक्सपेंशन हो जाता है इन्वेस्टमेंट का। तो विक्शल कहते थे ये इन्वेस्टमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ न्यू इनोवेशन, या नए मार्केट की ओपनिंग पर, यानी कि लोग इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, कोई नया मार्केट खोलेंगे, जैसे आजकल जियो ने नए मार्केट खोल लिए हैं, 4G लेकर आ गया है, और न्यू इनोवेशंस, नई टेक्निक्स अगर आप लाते हैं किसी चीज में तो भी एक्सपेंशन हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट दो तरीके से हो सकता है, जब आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें और जब डिमांड बढ़ जाए। तो डिमांड जब बढ़ जाती है तभी हमको, जहां हमारे सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं ज्यादा, और या तो फिर हम अपने कॉस्ट को कम कर लें तो भी प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट जब हो जाता है तो एक्सपेंशन और होने लगता है, और इसी एक्सपेंशन को हम बूम पीरियड बोल देते हैं।
तो अगर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा किससे, नेचुरल रेट से। नेचुरल कौन कौन से हैं, नेचुरल, ऑर्डिनरी, रियल, ये सब एक ही चीज है, तो हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड होगी। ओके, विक शेल के अनुसार। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा किससे, सेविंग से, अब लोग सेव नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओवर इन्वेस्टमेंट की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा, और जब ओवर इन्वेस्टमेंट आएगी तो लोग सेव तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, तो वो पैसा रखे ही क्यों, वो तो इन्वेस्ट करेंगे, तो सेविंग इनसफिशियंट होती है। और जब सेविंग्स नहीं है किसी के पास, तो फिर वो इन्वेस्ट क्या करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे एंड की तरफ आने लगता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड होने लगता है, और इसी के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे रिसेशन की तरफ चली जाती है। तो अगर मनी रेट ज्यादा होता है नेचुरल रेट से तो कॉन्ट्रैक्शन आता है, मनी रेट कम होता है नेचुरल रेट से तो एक्सपेंशन होता है। ये विक्शेल ने समझाने की कोशिश की है। इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। ये हम अपना इक्वेशन ले लें पहले वाला, और ये है डायग्राम। इसमें इन्वेस्टमेंट आई है, या ऐसा समझ लें डिमांड है ये किसकी, लोन्स की, और एस है सप्लाई, या ऐसा मान लें कि सेविंग्स हैं लोनेबल फंड्स की, ठीक है। आर हमने मान लिया कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर वन हमने मान लिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला है आर वन, और आर है नेचुरल, ऑर्डिनरी, नॉर्मल या रियल, क्लियर। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो इन्वेस्टमेंट है वह कहां छू रहा है, बी पर, और ज्यादा है किससे, ए से। कितना ज्यादा है, ए बी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा हो रहा है, ए बी ज्यादा हो रहा है, यानी कि बैंक लोन एक्सपेंड होता है तो फंड्स जो होते हैं वो यूज हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट गुड्स में। तो रिजल्ट उसका क्या होगा, मनी की डिमांड एक्सीड हो जाएगी, और ज्यादा मनी डिमांड करने लगेंगे लोग, तो उसकी सप्लाई तो उतनी ही है, वो एक्सीड कैसे होगी, जितनी भी अवेलेबल सप्लाई है उस पर इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी फुल एम्प्लॉयमेंट में कि डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाएंगी और प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे। ये जो इंक्रीज होगी डिमांड मनी की, उससे होगा क्या, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, ये आर वन जो है ऊपर उठेगा अब, क्योंकि लोग और मनी डिमांड करने लगे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो सप्लाई मनी की कम होने लगेगी, क्योंकि उतनी ही सप्लाई है मनी की, और जब बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो पाएगी, यानी कि तब जब मनी रेट नेचुरल रेट पे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इस ई पॉइंट पर, ना सप्लाई हो पाएगी उस पर, और उतने पे ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी कि नेचुरल रेट, ये रियल रेट और नॉमिनल रेट, ये बराबर हो जाएंगे इस पॉइंट पर। लेकिन अगर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आर वन ज्यादा होगा आर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, आर वन ऊपर पहुंच गया इसके आर से, इसका मतलब यह है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, यानी कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, तो अब लोन लेना लोग कम कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो रिसेशन का टाइम आ जाएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक वो आर पे ना आ जाए, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना आ जाए, यानी जब मनी रेट डाउन था तो एक्सपेंशन हुआ, और जब मनी रेट ऊपर था तो रिसेशन हुआ, सिंपल। अब विक्शेल के अनुसार ये जो क्यूमुलेटिव प्रोसेस है डिसइक्विलिब्रियम की, एक के बाद एक आ रहा है, ये इसलिए भी हो सकती है, ये जो डिमांड है लोन्स की वो इसलिए बढ़ गई हो क्योंकि इनोवेशन हो रहे हों और टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही हो, जो नए इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट को बढ़ा रहे हों इस वजह से हो रही हो। जैसे इस फिगर में अपन देख रहे हैं कि शुरुआत में जहां पर ये जो कर्व है आई और ये एस ई पे मिल रहे हैं, यानी कि यहां जहां पर नेचुरल और मार्केट रेट बराबर हो गए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो जब यहां से डिमांड बढ़ी लोन्स की डिमांड बढ़ी, तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया इनोवेशंस की वजह से, या नए कोई प्रोजेक्ट खोलने की वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो गया, आई वन पे आ गया, तो ये जो नेचुरल रेट था ये ऊपर उठ गया, आर वन पे आ गया। अब ये ध्यान रखिए, पिछले वाले डायग्राम में मैंने आर को लिया था नेचुरल रेट, आर वन को लिया था मनी रेट, यहां पर मैं आर वन को ले रहा हूं नेचुरल रेट, और आर है मनी रेट जिस पे लोन दिया जा रहा था, ठीक है, मनी रेट पे लोन दिया जाता है, आर वन है आपका नेचुरल या रियल रेट, ये ऊपर नेचुरली उठ गया ऊपर, जहां पर ये एस और आई वन क्रॉस हो रहे हैं,
यानी कि इवन इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर मॉनेटरी अथॉरिटीज जो भी हैं वो इस मार्केट रेट को, ये आर क्या है, मार्केट रेट, ये आर को इस नेचुरल रेट की तरफ नहीं ले जाएंगे तो ये कैसे जाएगा उस तरफ? अब बैंक लेगी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक ज्यादा लोन देना शुरू कर देगी क्योंकि मार्केट रेट कम है, किससे, नेचुरल रेट से। देखिए इस फिगर में मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं जो मैंने पिछले फिगर में समझाई थी, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिया है, इसमें इनोवेशंस वगैरह अपन ने ले लिए हैं, बाकी है दोनों सेम ही। तो ये मत समझिए कि उसके बाद मैं ये समझा रहा हूं, वो भी वही है और ये भी वही है, बस इसमें हमने थोड़ा सा डायग्राम को चेंज इसलिए किया है क्योंकि हमने इनोवेशन की वजह से आई को शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो मार्केट रेट आर है और नेचुरल रेट आर वन है, तो मार्केट रेट अभी कम है तो बैंक ज्यादा लोन देना शुरू कर देगी। कितना लोन ज्यादा देगी, अभी वो OQ दे रही थी, अब वो Q से Q1 तक दे देगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जब मनी सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट Q Q1 तक बढ़ जाएगा और इसकी वजह से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों की डिमांड को बढ़ा देगी और उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। ये प्रोसेस की वजह से मनी एक्सपैंड होगा और ये जो प्राइस में इन्फ्लेशनरी राइज हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, ये मार्केट रेट को, इस आर को ऊपर ले जाएगा नेचुरल रेट की तरफ, R1 की तरफ। तो विक्शेल ने ये एनालिसिस किया है कि जो बिजनेस फ्लक्चुएशंस है, ये डिफरेंस जो नेचुरल रेट और मनी रेट के बीच में होता है उसकी वजह से होते हैं। यानी एक्सपेंशन कब होगा, जब ये मनी रेट नीचे होगा नेचुरल रेट से, R1 से नीचे क्या होगा, R क्या है, मनी रेट या मार्केट रेट। जब ये नीचे होगा नेचुरल रेट से या रियल रेट से तो ये ऊपर उठेगा यानी एक्सपेंशन होगा, और जब ये ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ आएगा मनी रेट, तो वाइस वर्सा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है अपवर्ड और डाउनवर्ड की, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की, जो बैंक के क्रेडिट की वजह से बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। और ये कब एंड होता है, जब ये दोनों रेट्स एक लाइन पर आ जाते हैं, ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये नेचुरल की तरफ ना आ जाए, और अगर ये ऊपर होता तो तब तक नीचे आता जब तक नेचुरल के बराबर ना हो जाता, क्या, मनी रेट या मार्केट रेट। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं हायेक की थ्योरी क्या बोलती है।